दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय एमएनएस, दिस इज अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्लास 11 के चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर फर्दर डिटेल यू कैन वॉच प्रीवियस वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक है डिग्री एंड रेडियन मेजर। जैसा कि पहले बताया था मैंने, एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन फंक्शन ऑफ एंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो सर्टेन फंक्शंस होते हैं जैसे साइन है, और साइन का कोई भी एंगल है साइन एक्स, इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल। ये चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिग्री एंड रेडियन मेजर। ये एंगल को मेजर करने के यूनिट्स हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में एंगल्स को पढ़ा था कि क्या एंगल्स होते हैं, फिर भी हम एक बार डिटेल में जाते हैं और उसको रिवाइज करते हैं कि एंगल कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। फर्स्ट, एंगल बनता कैसे है। एंगल इन प्लेन ज्योमेट्री, जो प्लेन ज्योमेट्री होती है उसमें एंगल जो बनता है इज सेड टू बी फॉर्म बाय टू रेज, दो लाइन से आपका वो दो रेज से हमारा एंगल बनता है। लाइक दैट, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो मार्कर है, इनको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूं, तो प्लेन ज्योमेट्री में ये एक एंगल को शो कर रहे हैं। इसी तरीके से आप पेपर में, आप कंपास से या स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल से या प्रोटेक्टर से आप एंगल बनाते थे, तो वही क्या होता है, टू रेज उसमें होती है तभी वहां पर एंगल बनता है प्लेन ज्योमेट्री। अब एंगल भी टू टाइप्स के आपने पढ़े थे, पॉजिटिव एंगल्स थे और नेगेटिव एंगल्स थे। तो पॉजिटिव एंगल्स की हम बात करते हैं। पहले हमने एक रे ले ली ओ ए, एक रे ओ ए है, एक रे हमारी ओ बी है। तो ओ ए वाली जो रे है उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड दैट मींस जो आपकी एक्स एक्सिस थी वो है। अब एक्स एक्सिस से हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ, इसको तो यही रखेंगे, फिक्स है ये, और इसको इस तरीके से मूव करेंगे किधर, बाई एक्सिस की तरफ। यहां बाई एक्सिस होती थी, बाई एक्सिस की तरफ हम मूव करेंगे या रोटेट करेंगे, या इस लाइन को हम ओ पॉइंट पर हम फिक्स रखेंगे। ओ पॉइंट को फिक्स रखा और इसको इस तरीके से रोटेट किया। जब रोटेट किया, मान लीजिए लाइन हमारी यहां पर आ गई, रे हमारी यहां पर आ गई ओ बी, तो इट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। दिस इज द इनिशियल साइड, दिस इज द टर्मिनल साइड। व्हेन ओ ए को हमने रोटेट किया टुवर्ड्स बाई एक्सिस, यू गेट टर्मिनल साइड रे ओ बी, और दिस एंगल इज मेक्स बाय टू रेज इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। और ये वाला जो ओ पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ऐसे भी कह सकते हैं किसी भी एंगल को हम, या किसी भी उसको हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब हम घुमाते हैं, मतलब घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में हम जब घुमाते हैं, तो वहां जो एंगल बनता है वो हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है। नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव एंगल, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, जो जिधर हमारी घड़ी मूव करती है, जिधर हमारी वॉच मूव करती है, उधर की तरफ हम घुमाने पर या उधर रोटेट करने पर जो एंगल बनता है वो हमारा नेगेटिव एंगल बनता है। सेम बी ए हमारी एक रे है, इसको इनिशियल साइड कहेंगे। जब इनिशियल साइड को इसको बी पॉइंट के अबाउट जब हम रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगी, इसको हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो ये इस तरीके से आएगी। तो ये आपकी रे हो गई आपकी बी सी, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। और ये वाला जो आपका एंगल है वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट एंगल की, जो कि आपने नहीं पढ़े थे। आपने केवल इतना पढ़ा था कि पॉजिटिव एंगल कौन से हैं, नेगेटिव एंगल कौन से हैं, हमारा है क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल्स मैंने लिखे हैं 0 डिग्री 90 180 270 एंड 360। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और अगेन 360 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास जो भी एंगल होंगे वो 0 90 180 270 360 और इसी के मल्टीपल चलते चले जाएंगे, वो हमारे क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं। ये पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वाट्रिमिनल एंगल्स। क्वाट्रिमिनल एंगल्स मींस होता है, कहना चाहिए 360 हमारा एक राउंड, एक कंप्लीट राउंड जब हो जाता है तो वो 360 है, और 360 से बड़ा भी अगर कोई एंगल है, कोई भी एंगल बड़ा है, तो वो क्वाट्रिमिनल एंगल में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 420 को आप 360+60 लिख सकते हो, 360+60 लिख सकते हो, क्योंकि ये वन राउंड कंप्लीट होने के बाद आपका आया है। जैसे ये आपका 60 डिग्री एंगल है, ओके, अब आपको चाहिए 420, तो 420 आपको कैसे मिलेगा, जब आप
यहां से आप राउंड करोगे तो ये आपका हो गया 360, और 360 के बाद आप अगेन यहां पर आओगे तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 420, यानी 360 प्लस 60 दैट इज 420। इन द सिमिलरली माइनस में भी माइनस 300, 60 माइनस 360, 60 माइनस 360 माइनस 300। इसमें खास बात क्या होती है, कॉमन टर्मिनल साइड होती है, जो हमारी टर्मिनल साइड है जो मूव कर रही है वो हमारी कैसी होती है, कॉमन होती है। यहां पर कॉमन कैसे है, जैसे 60 डिग्री है हमारा एंगल तो हमारी टर्मिनल साइड ये है, और जब 420 आया तब भी हमारी टर्मिनल साइड ये है, तो कॉमन जो टर्मिनल साइड जिन एंगल्स में होती है वो हमारे क्वाड्रिलेटरल एंगल्स होते हैं, और जो 090, 180, 270, 360 इस सीरीज में चलते हैं, इस ऑर्डर में चलते हैं, वो हमारे क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं। ये हमारे दो नए एंगल हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं, डिग्री एंड रेडियन मेजर। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल जो मेजर करते हैं हम यहाँ पर, वो हमारे कौन कौन से हैं, टू मेथड्स हैं एंगल को मेजर करने के। पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम। जिस सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और सेक्साजेसिमल सिस्टम के कुछ नाम और भी हैं, जिसको हम कॉमन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं, या डिग्री सिस्टम भी कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो वर्ड है वो आपने डिग्री पढ़ा है, किसी भी एंगल को आपने डिग्री में ही आज तक मेजर किया है, तो उसका नेम क्या है, इंग्लिश सिस्टम भी है, कॉमन सिस्टम भी है, और सेक्साजेसिमल सिस्टम भी है। सो सेक्साजेसिमल सिस्टम में जो प्रिंसिपल यूनिट होती है डिग्री की, प्रिंसिपल यूनिट इसकी क्या होती है, डिग्री, और इसका मार्क है सिर्फ ऊपर एक मैंने बिंदी लगा दी है, और ये क्या होता है डिग्री, 190th पार्ट ऑफ राइट एंगल है, 190th पार्ट ऑफ राइट एंगल। कैसे 190th पार्ट ऑफ राइट एंगल, किस तरीके से है, राइट एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, तो 90 से 90 आपका कट हो जाएगा, इसलिए यहां पर 1 डिग्री आएगा, तो 1 डिग्री हमारा क्या है, 90th पार्ट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का 90th पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। यहां पर जो सिंगल डैश लग रहा है वो मिनट को डिनोट कर रहा है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट वो वाले नहीं है जो आपकी घड़ी की वॉच में होते हैं, या आप घड़ी की वॉच में सॉरी वॉच में होते हैं, वो वाले मिनट नहीं है, ये सेक्साजेसिमल मिनट है। ऐसे ही 1 मिनट यानी सिंगल डैश इक्वल्स टू 60 सेकंड। 60 सेकंड को मैंने 2 डैश से डिनोट किया, यहां पर 2 डैश लगे, ये 60 सेकंड है, इनको भी हम सेक्साजेसिमल सेकंड कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा आता है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, वो है सर्कुलर सिस्टम। ये था हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, अब है सर्कुलर सिस्टम। इसमें यूनिट हमारी क्या है, रेडियन। वहां हमारी यूनिट थी डिग्री, यहां यूनिट है हमारी रेडियन। रेडियन कैसे बनता है, एंगल सबटेंडेड ऑफ ए यूनिट सर्किल, ऑफ ए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब है ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, y n आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। मैंने यहां पर एक सर्किल बनाया है जिसकी रेडियस 1 है, और ये वाली जो आर्क दिख रही है आपको, ए से लेकर के बी तक जो आर्क है लेंथ, वो भी मेरी 1 यूनिट है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1 रेडियन बनेगा। नेक्स्ट, अगेन मैंने एक सर्किल लिया, यहां पर एक इसकी भी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट ही है सर्किल की, लेकिन यहां पर लेंथ ऑफ आर्क आपकी 1.5 है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो 1.5 रेडियन बनेगा। दैट मींस जो एंगल होता है रेडियन में वो डिपेंड्स किस पे करता है, वो हमारे लेंथ ऑफ आर्क पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ आर्क आपकी 1 है तो आपका 1 आएगा, और लेंथ ऑफ आर्क आपकी 1.5 है तो 1.5 रेडियन एंगल आएगा। ओके, कंडीशन इज दैट सर्किल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट मींस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल, और सिंपली एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। कीप इन माइंड इस फॉर्मूले से जो भी एंगल निकल के आएगा वो हमारा रेडियन मेजर में होगा, डिग्री मेजर में नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो रेडियन मेजर और डिग्री मेजर मैंने दो लिखे हैं। रेडियन मेजर को अगर हम एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं किसी भी चीज का, एक मैं कंप्लीट राउंड इस तरीके से पूरा एक राउंड लगा रहा हूं, तो वो आपका 2π रेडियन होगा। बट इन डिग्री में वो कितना होता है, 360। एक कंप्लीट राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन रेडियन मेजर में 2π होता है। तो क्लियरली 2π किसके बराबर हो गया, 360 के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि दोनों ही एंगल कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बन रहे हैं। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो एंगल बन रहे हैं वो है, तो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। बस कंडीशन ये है, ये रेडियन मेजर में है, वो डिग्री मेजर में है, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो 2π इक्वल टू 360। यहां से आप 2 से 360 को कट आउट कर सकते हो,
तो आपके पास मिलेगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ऊपर मैंने डिग्री का मार्क लगा दिया है, और 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स व्हेन यूज पाई इक्वल टू 22/7। अगर आप पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 रखते हो और यहां पर सिंप्लीफाई करते हो तो आपको 57 डिग्री एंड 16 मिनट अप्रोक्स मिलेगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो, रेडियन मेजर में, जब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना होता है तो हम पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करते हैं, और आपको डिग्री मेजर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप 180 अपॉन पाई की आप मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कुछ डिग्री मेजर लिखे हैं 30, 45, 60 और 90। अब 30 डिग्री है, अब डिग्री को मुझे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, रेडियन मेजर में, फर्स्ट पॉइंट रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 180 की। तो पाई अपॉन 180 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0, 3 से आपका 80, तो यू गेट पाई अपॉन 6। तो रेडियन मेजर कितना हो गया, 30 डिग्री एंगल अगर है उसके लिए आपका रेडियन मेजर पाई अपॉन 6 हो गया। सिमिलरली 45 डिग्री के लिए पाई अपॉन 4 आएगा, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 60 डिग्री के लिए पाई अपॉन 3, 90 के लिए पाई अपॉन 2। दैट मींस कोई भी एंगल हो उसे आप रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हो, कब, जब आप पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करोगे तब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स माइनस में, ये एंगल आपको गिवन है और इसको आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, रेडियन मेजर में। तो मैंने अभी बताया था कि जैसे डिग्री मेजर से हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180 से। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर जो एंगल है डिग्री और मिनट में है, तो पहले इसको होल डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। दैट मींस माइनस 40 डिग्री और 20 डिग्री मिनट जो है इसको हम 20 अपॉन 60 लिख ले रहे हैं, तो ये डिग्री में आ जाएगा। रीजन क्या है, आपको बताया गया था 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो जब मिनट से आप डिग्री पे आओगे तो 60 से आपको डिवाइड करना होगा, तो 20 से 60 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 40 डिग्री एंड 1/3 ये आपकी होल डिग्री हो गई। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 120, 1/3 इट इज द डिग्री। दैट मींस आपको क्वेश्चन पहले होल कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। अब हमारे पास डिग्री में आ गया, अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, चेंज इन रेडियन मेजर, चेंज इन रेडियन मेजर। रेडियन मेजर के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, पाई अपॉन 180 की, माइनस 121/3 इंटू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली, 121 पाई अपॉन 18 × 3 = 54, 540 इट इज द रेडियन मेजर। ओके, तो इस तरीके से आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको गिवन है माइनस का 2 रेडियन, अब आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में। तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया गया था किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से, ये किस में आ जाएगा आपका, डिग्री मेजर में 180 अपॉन पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पाई की वैल्यू यहां पर यूज करोगे, पाई की वैल्यू थी आपके पास 22/7, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 7 ऊपर आएगा और अपॉन में 22 और मल्टीप्लाई में 180। अब 2 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो तो 11 आएगा, तो माइनस 18 × 7 = 1260/11। अब 11 से आपको इसको डिवाइड करना होगा, अब मैं डिवाइड करके बता रहा हूं आपको, 11 से आप 1260 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11, 1 कैरी 1 रिमाइंडर बचेगा 6, अगेन 11 बन जा 11, 50, 11 4 जा 44, यू हैव रिमाइंडर 6, अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको कितना आया हमारा क्वेश्चेंट 114, ये आपका हो गया डिग्री। अब डिग्री के बाद जो आपका बचा वो क्या बचा, 6 बचा, ये डिग्री में है, अगेन इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, यानी 360 को। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं बता चुका हूं 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो आपके पास यहां पर 6 डिग्री बची थी, तो उसे मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया 60 से मल्टीप्लाई करके 360। अब 11 से आप फिर डिवाइड करो इसको, 11 × 3 = 33, 3 और 0, 11 × 2 = 22, रिमाइंडर इज 8, तो आपके पास ये 32 आ गया, ये आपका क्या हो गया, मिनट, क्योंकि आपने मिनट में कन्वर्ट किया था, अगेन मल्टीप्लाई बाई 60,
फिर 11 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 480 हो गया। तो 11 फोर जा 44, 4 और 0 और 11 3 जा 33 7, तो आपके पास आया 32 और 43 सेकेंड। दैट मींस यहां पर आपका है डिग्री। जब आपने 60 की मल्टीप्लाई की रिमाइंडर में, उसके बाद आंसर आपका आएगा मिनट में, फिर अगेन आपने रिमाइंडर में 60 की मल्टीप्लाई की तो आपका आंसर आया सेकंड में, तो आपका ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट एंड 43 सेकंड अप्रोक्स, ये अप्रोक्स हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है और एंगल आपको गिवन है और लेंथ ऑफ आर्क 5π/12 सेंटीमीटर है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था, वी नो दैट एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है और आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस हो जाएगी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन एंगल और लेंथ ऑफ आर्क आपकी है 5π/12। एंगल आपका 15 है, बट इन